ओम शांति। नवरात्र के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्र का छठा दिन। आज के दिन समस्त भक्तजन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की उपासना करते हैं। माना जाता है कि ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। पुराणों के अनुसार माँ ने इसी स्वरूप में महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। वास्तव में बुद्धिमानों की बुद्धि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हमें दिव्य ज्ञान देकर महिष अर्थात भैंस के समान विकृत बुद्धि का विनाश करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए माँ की सवारी सिंह दिखाया जाता है जो उनकी निर्भय व शक्तिशाली स्थिति का परिचायक है। माँ के हस्तों में ज्ञान की खड़ग दिखाई जाती है जो अज्ञान अंधकार को समाप्त कर देती है। माँ कात्यायनी की आंतरिक पवित्रता के कारण ही उनके दूसरे हाथ में कमल का पुष्प दिखाया जाता है। माँ का वरदानी हस्त उनके विशाल हृदय करुणा भावना व दातापन की भावना दर्शाता है और अभय स्थिति का परिचायक उनकी अभय मुद्रा है। तो आइए सर्व के रोग शोक व संतापों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी का आह्वान करें और इस स्मृति का स्वरूप बन जाएं कि मैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव की संतान विकृतियों पर विजय प्राप्त करने वाली कात्यायनी हूँ। ओम शांति। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।